हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप ये देख रहे हो कि कितने प्यारे गमले बने हुए हैं, तो आप भी घर पर इतने ही प्यारे गमले बना सकते हो। तो आगे वीडियो देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है गमले बनाने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप जूट के बोरे ले लो और एक बोरे में आप चार गमले बना सकते हैं। तो एक को पहले चार दो कर लो, दो करने के बाद चार कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो दो कर लिया है, उसके बाद चार भी करने वाली हूँ। इसको कट करने में बहुत मेहनत लगा, कट हो ही नहीं रहा था। तो आप जो कैंची से कट करोगे तो कैंची थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो फाइनली ये कट हो चुकी है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बीच में फोल्ड करने के बाद कट कर लेंगे, ठीक है, कि गमले में पानी ना भरे। और आप अच्छी तरह से फोल्ड करिएगा क्योंकि ये बीच में ही कट होना चाहिए। तो फाइनली ये कट हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं इसका जुगाड़ भी करते हैं। तो ये मेरा जुगाड़ हो चुका है, अभी इसी तरह से जुगाड़ कर लो। और सीमेंट आप जैसा होगा वैसे ले लेना, मतलब जितने क्वांटिटी में लेना होगा उतने क्वांटिटी में ले लेना। और इसको पानी डालकर एकदम पतला घोल बना लेना। घोल बनाने के बाद जो हम लोग कट किए हैं उसको लेना है और उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद अच्छे से पहले आप डिप कर लो क्योंकि हर जगह से हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गमले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो फाइनली हो चुका है और अब हम इस पर रखेंगे तो गमले का शेप देंगे। आप रखने के बाद अच्छे से अपने हाथों से ही चून कर लो क्योंकि ऐसा ही डिज़ाइन सूखने के बाद आएगा। तो आप अच्छे तरह से कर सकते हो। तो फाइनली ये सूख चुका है, तो आप सीमेंट का घोल बनाकर दो बार पन्नी कर लो क्योंकि सूखने के बाद ये पन्नी आप करोगे तो और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर करना कि होने के बाद वो और का हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो फाइनली ये हो चुका है। और हाँ, आप किसी भी कलर से पेंट कर सकते हो। सूखने में आपको दो या तीन दिन लग जाएंगे सूखने में आपको दो या तीन दिन लग जाएंगे। और किसी भी कलर से आप पेंट कर सकते हो। आपको पेंट करने का मन होगा तो पेंट करो, अगर नहीं होगा तो मत करना। फाइनली हमारे गमले रेडी हो चुके हैं और मैंने पांच गमले बनाए हैं, छोटे हैं और बड़े हैं, बट हाँ एक साइज के नहीं हैं, कोई बड़ा छोटा बड़े छोटा ऐसे हो गया क्योंकि मैंने जिस मतलब जो जुगाड़ से मैं बनाए हूँ वो सेम नहीं थे, इसलिए सेम नहीं हुए हैं। बट जो भी हुए हैं बहुत प्यारे हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो घर बैठे आप भी इसी तरह से गमले बना सकते हो, इतने प्यारे प्यारे, और हर डिज़ाइन के बना सकते हो। एक डिज़ाइन का भी नहीं, हर डिज़ाइन का बना सकते हो। आप जैसा चाहोगे वैसा बनेगा। तो आप देख रहे हो कि कितने प्यारे गमले लग रहे हैं मेरे। तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।